नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। लखनऊ से बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय में अपने आप को आग के हवाले करने वाला बलराम तिवारी, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई है। बीजेपी कार्यालय के गेट नंबर 2 के अंदर बलराम तिवारी नामक अधेड़ ने खुद को आग के हवाले कर लिया था। KGMU के ट्रामा सेंटर में उसका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान बलराम ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मकान मालिक की प्रताड़ना से हाथ और पुलिस पर सुनवाई न करने का आरोप लगातार वो लगा रहा था और इसी वजह से उसने आत्मदाह किया। आत्मदाह की घटना के बाद ठाकुरगंज पुलिस ने पत्नी की तहरीर पर FIR दर्ज की थी। तो लखनऊ का ये पूरा मामला है, जहाँ पर कुछ दिन पहले ही एक अधेड़ ने, जिसका नाम बलराम तिवारी है, उसने बीजेपी कार्यालय के गेट नंबर 2 पर अब खुद को आग के हवाले कर लिया था। और उसके बाद इलाज उसका चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान उसका निधन हो गया है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी दानिश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दानिश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? गंभीर मामला, पहले आत्मदाह या अधेड़ करता है, KGMU में इलाज चल रहा था, उसके बाद उसने दम तोड़ दिया। देखिए, बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मामला जो है लखनऊ से ठाकुरगंज थाना लगता है और इसमें एक बलराम तिवारी की इलाज के दौरान जो है आज मौत हो गई है। और ये बीजेपी के कार्यालय गेट नंबर 2 में इसने खुद को आग लगा ली थी, लेकिन आग लगाने का जो कारण पता चला है वो ये है कि पुलिस ने इसके प्रार्थना पत्र सुनवाई नहीं की है और इसका आरोप यह है कि मकान मालिक और उसके पड़ोसी द्वारा इसको प्रताड़ित किया जा रहा था किसी कारण को लेकर के। और इसकी पत्नी का जो आरोप है ये है कि पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उल्टे पुलिस से इसको भगाया गया, जिससे ये मजबूरन वहां पर के बीजेपी कार्यालय पे पहुंचा गेट नंबर 2 पर, इसने वहां पर खुद से आग लगा ली। लेकिन ये बीजेपी कार्यालय क्यों गया, ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि अक्सर ये देखने में आ रहा है कि इस तरीके की जो घटनाएं होती है वो ज्यादातर तो संबंधित थाने से होती है या फिर मुख्यमंत्री की आवाज से होती है, लेकिन ये बीजेपी कार्यालय गया और वहां पर इसकी आनंद फानंद में उसको बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन आज इसकी स्थिति डेथ हो गई। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि इसकी पत्नी जो आरोप लगा रही है वो पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई को लेकर लगा रही है, तो ऐसा क्या वजह थी जिसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया और इसकी आज डेथ हो गई? शुक्रिया दानिश तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो लखनऊ का एक पूरा मामला है, जहां पर बीजेपी कार्यालय गेट नंबर 2 के सामने एक शख्स ने खुद को आग के हवाले कर लिया था, जिसका इलाज के दौरान मौत हो गई है। फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। पुलिस ने FIR भी पत्नी के तहरीर पर दर्ज कर ली है। श्रावस्ती में प्रदेश के डिप्टी CM जिश पाठक का दौरा रहा, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट रहा। वही अधिकारियों के हाथ पैर फूले हुए नजर आए। डिप्टी CM के निरीक्षण के दौरान पाई गई खामियों को लेकर अधिकारियों को यहां पर फटकार भी लगाई गई है। दरअसल डिप्टी CM जिश पाठक ने जैसे यहां पहुंचे, भाजपा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया और वहां से वो सीधे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकौना पहुंचे, जहां पर उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में बिजली के तार खुले दिखे। डिप्टी CM ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि आप लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वहीं अस्पताल में टपकते हुए पानी को देखकर डिप्टी CM भड़क गए। कहा, सरकार के द्वारा भेजा जाने वाला पैसा कहाँ जाता है? डिप्टी CM सीधे गौशाला पहुंचे, जहां पर गाय को देने वाला चारा और पानी को दूषित देखकर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। वहीं पास में स्थित लवकुश की जन्मभूमि सीता द्वार पहुंचे, जहां पर सीता मंदिर जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की और सीता झील का निरीक्षण किया। वहीं प्राथमिक विद्यालय BT पहुंचकर बच्चों को ड्रेस वितरण किया है। यहां पर डिप्टी CM का एक अनोखा रूप भी देखने को मिला। यहां पर बच्चों को उन्होंने अध्यापक बन कर तानसेन का पाठ भी पढ़ाया है। बच्चों से मिलने वाले SDM और किताबों के बारे में जानकारी ली है। और वहीं यहां पर जो पानी बच्चों को दिया जा रहा है उसको लेकर भी यहां पर SDM और जो वहां पर अधिकारी थे उनको फटकार भी लगाई है, साथ ही साथ सख्त निर्देश दिए हैं। स्थलीय निरीक्षण भी हम प्रातःकाल से कर रहे हैं। अभी निराश्रित गोवंश के स्थल का निरीक्षण किया है। अभी हम लोग माँ सीता के द्वार पर आए हुए हैं, लवकुश जी की जन्मस्थली पर आए हुए हैं। इसको पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जाएगा और यहाँ पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। श्रावस्ती जनपद को हम शीर्ष दर्जे पर लाने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ का चतुर्मुखी विकास होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी दिक्कतें हैं उनको हम दूर करेंगे। सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, आम आदमी के जीवन में बदलाव आए उसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं, उनको लेकर के हम जनता के बीच में हैं। लोगों को पक्का मकान जैसी ढेर सारी सहूलतें, उनके जीवन स्तर में बदलाव मिला आया है
और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो कानून व्यवस्था में परिवर्तन लाए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आया है। और उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आने के साथ ही श्रावस्ती के लोगों को महसूस हो कि उनके जीवन स्तर में बदलाव आया। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी सूर्यप्रकाश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूर्यप्रकाश, आज डिप्टी सीएम पहुंचे श्रावस्ती, तमाम अधिकारियों को फटकार लगाई है, जहां जहां कमियां मिली है वो दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं, और क्या कुछ स्वागत यहां श्रावस्ती को डिप्टी सीएम ने दी? नहीं तो स्वागत नहीं किया, डिप्टी सीएम का एक निरीक्षण था, जनपद श्रावस्ती के भ्रमण के दौरान आए थे यहाँ पे। सबसे पहले वो पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ बैठक की, इसके बाद वो सीधे स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने गए। वहाँ पर निरीक्षण के दौरान अस्पताल में खुले हुए तार देखने को मिला और छत से टपकती हुई बारिश की बूंदें देखने को मिली, जिसको देखकर जनपद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को उन्होंने फटकार लगाई और इसी के साथ उनको निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इन सब व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया जाए, या दोबारा ऐसा निरीक्षण में पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही डिप्टी सीएम वहां से निरीक्षण करने के बाद सीधे गौशाला पहुंचे, वहां गायों को देने वाला चारा और पानी की व्यवस्थाओं का भ्रमण किया और जायजा लिया। थोड़ा सा दूषित पानी देकर अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए और लोकेश की जन्मस्थ भी सीताद्वार मंदिर पर भी कहा जा सकता है कि डिप्टी सीएम पूरी तरह से अलर्ट मोड पर यहां पर नजर आए हैं। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो श्रावस्ती डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे, यहां पर जहां जहां कमियां मिली है वहां वहां अधिकारी को फटकार लगाई है। वहीं अस्पताल हो, स्कूल हो, गौशाला हो, हर जगह का निरीक्षण यहाँ पर डिप्टी सीएम करते हुए नजर आए। ताजमहल का नाम तेजो महाले करने की मांग अब नगर निगम सदन में भी गूंज रही है। भाजपा पार्षद शुभराम राठौर ने इसे प्रस्ताव बनाकर बुधवार को होने वाली नगर निगम के सदन की बैठक में पेश करने का फैसला लिया था। इस पर अधिकारी मौन रहे, लेकिन मेयर का कहना है कि प्रस्ताव आया है, सदन में पढ़ा जाएगा और सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तेजो महल है और राजा जयसिंह की संपत्ति थी। जब मुगल आए, मुसलमान आए, तो उन्होंने उसी को परिवर्तित करके और जो का अंकित कर दिया कि ये ताजमहल है और जो का मुमताज और शाहजहां की यहाँ पर कब्र है। लेकिन जो ताजमहल कब्र है वहाँ शिव जी की मूर्ति शिवलिंग थी और शिवलिंग को हटाकर उसी स्थान पर नकली या असली जो कब्र बना दी गई, जबकि रानी बहरानपुर में निधन हुआ था और रानी का जो का नाम जो का मृत्यु जो बानो था। मथुरा के थाना शेरगढ़ पुलिस एसओजी सर्विलांस टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 50,000 का नामी बदमाश गिरफ्तार किया है। मौके से 3 बदमाश फरार हो गए। छाता पिगवर रोड पर बसवे के किनारे पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। देश भर में गणेश चतुर्थी की बड़ी धूम है। धूमधाम के साथ गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। प्रदेश की सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा आगरा में स्थापित की गई है, जिसकी विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। यह गणेश प्रतिमा आगरा बल्केश्वर में स्थापित की गई। इस प्रतिमा की ऊंचाई 23 फीट और वजन 5100 किलोग्राम है। प्रतिमा हल्दी गोबर मिट्टी शहर से बनाई गई है, जो कि पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। इस प्रतिमा को बनाने के लिए कारीगर कलकत्ता और नासिक से बुलाए गए थे। पूजा अर्चना के साथ गणेश आरती की गई, जिसके में सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज से मंगलवार को एक नवजात बच्चे की चोरी हो गई। चेहरे पर रुमाल को मास्क की तरह बांधे चोर ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। मेरठ के किठौर की डॉली ने सोमवार की दोपहर एक बेटे को जन्म दिया था। मंगलवार दोपहर बाद से ये चोर गायनक वार्ड में घूम रहा था। डॉली का पति थोड़ी देर के लिए बाहर गया तो चोर ने बच्चा उठाकर वहां से टीका लगवाने की बात कही। चोर मेडिकल स्टाफ है, ये सोचकर डॉली ने विरोध नहीं किया, लेकिन बाद में पता चला कि वो चोर था। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में चोर कैद हो गया है।
पीलीभीत में स्मार्ट टैबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह रहे मौजूद। जनपद के बरखेड़ा, पूरनपुर, पीलीभीत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के छात्र छात्राओं को स्मार्ट टैबलेट वितरित किए गए हैं और काफी लंबे समय से बात हो रही थी इस कार्यक्रम को करने की, आखिरकार इंतजार खत्म हो गया। छात्र छात्राओं के चेहरे ये टैबलेट पाकर काफी खुशी उनके चेहरों पर नजर आई है। इसके अलावा यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था जिसमें जो छात्र हैं उनको अलग टेक्निक से पढ़ाई करें, किस तरह से आगे तैयारी करें, तमाम गुण सिखाए गए। चंदौली के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के डालीकला गांव में टायर रेल कर्मी पिता की कला रेत का निर्मम हत्या की घटना से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि टायर रेलवे कर्मी राधेश्याम पटेल दो शादियां उसने की थी। पहली पत्नी से एक लड़की और एक लड़का था जबकि दूसरी पत्नी से दूर गया है। टायर रेल कर्मी अपनी प्रॉपर्टी में दोनों पत्नियों को आधा आधा देना चाहते थे जिससे पहली पत्नी का बेटा नाराज था और इसी नाराजगी की वजह से उसने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। मेरठ की 24वीं अंतर जनपदीय महिला पुरुष पुलिस फुटबॉल मैच प्रतियोगिता में महिला टीम का मैच जनपद बुलंदशहर जनपद बागपत के मध्य हुआ जिसमें जनपद बुलंदशहर की टीम 3-1 से विजय रही। महिला टीम का प्रथम सेमीफाइनल मैच जनपद मेरठ और जनपद हापुड़ के बीच हुआ जिसमें मेरठ की टीम 1-0 से जीत गई। महिला टीम का द्वितीय सेमीफाइनल मैच बुलंदशहर और गाजियाबाद के बीच हुआ जिसमें बुलंदशहर की टीम 1-0 से जीत गई। देशभर में गणेश उत्सव की धूम है। सितारगंज में भी ऐसी तस्वीरें नजर आई। हर वर्ष की भांति साल भी सितारगंज में गणेश चतुर्थी के पावन मौके पर श्री गणपति सेवा समिति द्वारा गाजे बाजे के साथ नगर में श्री गणेश की प्रतिमा के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई रामलीला मैदान पहुंची जहाँ श्रद्धालुओं ने गणेश प्रतिमा की स्थापना रामलीला मंच पर की और प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा पूरे विधि विधान के साथ की गई जिसके बाद मंगल आरती गाई गई है, पूजा अर्चना की गई है। नक्सल में त्यागी फार्म हाउस पर अन्नदाता किसान यूनियन की राष्ट्रीय बैठक आयोजित की गई जिसमें संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे। अन्नदाता किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरमुख सिंह और राष्ट्रीय महासचिव परमजीत पम्मा, उन्होंने भाकियों अवत्ता में रहे त्यागी को राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तराखंड से प्रभारी बनने की घोषणा की। अन्नदाता किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरमुख सिंह ने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर हम यहाँ आए हैं और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। बुलंदशहर के जिला पंचायत सभागार में सांसद डॉक्टर भोला सिंह की अध्यक्षता में जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह समेत जनपद स्तरीय अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित की गई। सर्वप्रथम बैठक में पूर्व की बैठक में दिए गए दिशा निर्देश के अनुपालन आख्या पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सांसद द्वारा सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं विकास कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की गई। साजापुर थाना कटरा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने सऊदी अरब की करेंसी दिखाकर रुपयों की ठगी करने वाले अंतरराज्यीय शातिर गिरोह की महिला सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से सऊदी की मुद्रा, ठगी के रुपए भी बरामद किए गए हैं। बुलंदशहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन सम्मेलन कक्ष में जनपद के सभी पैरोकारों के साथ गोष्ठी आयोजित कर निर्देशित किया गया। किसी भी मामले को लेकर पैरोकारी सही प्रकार से की जाए जिससे लोगों को समय से न्याय मिल सके तथा न्यायालय से संबंधित अभिलेखों को अपडेट रखा जा सके। दिनेशपुर के सभागार में आयोजित नव निर्वाचित भाजपा प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट और प्रदेश मंत्री विकास शर्मा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। स्वागत कार्य में पूर्व कैबिनेट मंत्री, क्षेत्र विधायक अरविंद पांडे, पूर्व सांसद बलराज पासी, नगर पंचायत चेयरमैन सीमा सरकार एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।